इसके लिए वो आपका और तो सर इसमें है क्या? हां हम इसे नाम काट दिए जो यहां बैठे थे, बच्चों के जो यहां बैठे थे, तो ये रिक्वेस्ट है सर उनके रविंद्र के नाम ठीक है सर भाई थोड़ा पीछे हुए हेलो दोबारे करता हूं मैं वाला से जो हम अपनी डिमांड लेके बैठे थे यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष, हमने बार बार जो डिमांडें रखी थी हमारे कुलपति मोदी जी के बीच में बैठ के रात्रि में हमारी 3 घंटे तक हमारे परिवार के समाज के लोगों ने बैठ के मीडिएशन करके हमारी बातचीत करवाई। उसके बाद जो वाइस चांसलर मोदी के बीच में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम स्टूडेंट के बीच में जो शिकायतें थी, जो कम्युनिकेशन गैप रहा था, वो दूर हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। परिवार यूनिवर्सिटी कैंपस हमारा इकट्ठा है, सारे लोग हम इकट्ठे हैं और वाइस चांसलर साहब हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, उनका मान सम्मान है और वो हमारे बीच में आए, हमें जूस पिलाकर और सभी स्टूडेंट का हौसला अफजाई किया और हमारी सारी डिमांडों पर जो डिमांडें अंडर प्रोसेस थी जो पूरी कर दी, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो आगे फर्दर गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन में जो डिमांडें हैं उनके लिए प्रपोजल उन्होंने चला दिया और वो रिकमेंड करके उसको भी जल्द पूरा कर। किस तरह की मांगे हमारी? इस पर स्पष्ट पहली मांग ये थी सर कि पार्ट टाइम टीचर में रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो। उसके अंदर एजी ऑफिस में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि हम भेजेंगे और चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे, उस पर ओपिनियन आ जाता है तो हम इंप्लीमेंट कर देंगे। डॉक्टर बीआर अंबेडकर की स्टैचू का मामला है, उसको भी हम इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो भी स्थापित कर देंगे। SC ST बुक बैग के अंदर 7 लाख की बुक्स खरीद दी है। SC ST बुक बैग के अंदर हमारे कुलपति मोदी ने 10 लाख का प्रोविजन कर दिया, फंड का प्रबंधन कर दिया और SC ST के गरीब बच्चे थे उनके लिए ट्रैक सूट के लिए 250 आवेदन पत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ले लिए और जल्द ही उनको ट्रैक सूट भी दे देंगे। और हमारा कोई व्यक्तिगत वाइस चांसलर मोदी से कोई शिकायत नहीं थी, हमारी जो डिमांडें थी उनको लेकर हमारी शिकायत थी वो उन्होंने पूरी कर दी है और यूनिवर्सिटी प्रशासन का, हमें पूरी टीम का और हमारी समाज के हमारे तमाम जो साथी इसमें इन्वॉल्व हुए सभी का मैं नाम ना लेते हुए सभी का धन्यवाद, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मीडिएशन के द्वारा हमारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। 3 घंटे तक आपकी डिमांड चली, कितनी मांगों पे सहमति हुई है, कितनी उसमें डिनाई हुई है? फिलहाल प्रजेंट के अंदर हमारी जो डिमांड थी बुक्स के रिगार्डिंग, उसमें 7 लाख रुपए की बुक खरीदने के लिए SC ST बुक बैंक में 10 लाख का प्रोविजन था, उसमें से 7 लाख रुपए की बुक खरीद रहे हैं सभी डिपार्टमेंट के लिए जो 6 महीने के लिए ऐसी स्टूडेंट को मिलेगी। सेकंड मांग पार्ट टाइम ट्रैक सूट की सर्दियों के गर्म कपड़ों के रिगार्डिंग थी, वो भी हमारी पूरी कर दी गई है और उसमें 250 आवेदन पत्र आ चुके हैं, वो भी हो चुकी है। तीसरी पार्ट टाइम टीचर में रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए वो AG ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया गया है, अगर वहाँ से डायरेक्शन प्रॉपर आ जाती है, क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि गाइडलाइन रिजर्वेशन अकॉर्डिंग किया है तो वो इंप्लीमेंट कर देंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर की स्टैचू का मामला है, उसका प्रपोजल यूनिवर्सिटी सरकार के पास भेज रही है और सरकार से आदेश होते ही जैसे ही गवर्नमेंट के आदेश होंगे वो स्थापित हो जाएगी। इस तरह की सारी डिमांडें हमारी पूरी हो चुकी है। और स्कॉलरशिप के लिए वाइस चांसलर साहब ने टीचिंग और नॉन टीचिंग का कंबाइंड एक कमेटी गठित करी है, चाहे 2015 का मामला 2014 का हो या 2000% में किसी भी सेक्शन का कोई भी बच्चा पास आउट हुआ हो, उसका केस लेके डायरेक्ट DHE डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो स्कॉलरशिप जारी करता है उसके बीच में वो कमेटी बातचीत करेगी और उसके बाद उनकी स्कॉलरशिप रिलीज करवा दी जाएगी। ये वाइस चांसलर साहब मोदी ने किया और मैं पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे साथी बैठे हुए थे इनकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आए और हम उनके बच्चे हैं और कैंपस हमारा है, सब मिलजुल के हम आगे चलाएंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग के साथ काम करेंगे।